हेलो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल विद येट अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू वेयर लेंसेज, हाउ टू रिमूव दैम, सम टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू नीड टू टेक केयर वाइल वेयरिंग योर लेंसेज, वेयरिंग योर कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज। एक्वालेंस की लेंसेज मैंने पहले भी ट्राई की हैं, जो कि मैंने बहुत पहले की थी, लास्ट ईयर वन डे वाली एक्वालेंसेज की लेंसेज, बट दैट दोज आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। फिर से लेंसेज मंगाई हैं जो कि वन मंथ वाली हैं। भाई की शादी थी तो उसके लिए मैंने मंगाया था, तब तो मैंने पहन लिया, लेकिन उसके बाद जब मैंने कोशिश की तो मैं नहीं पहन पा रही थी। आई नो ऑन यूट्यूब देर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कैसे लेंस पहनते हैं कैसे नहीं, बट मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ देख के ही पहना था, बट those tricks don't work। so इसीलिए finally अभी एक महीना ख़त्म होने को आया है और मैंने इन lenses को कम से कम 4-5 बार try कर चुकी हूँ, and उसके बाद ही मैं अपना review दे रही हूँ। so ये जो 1 month वाली lenses है, ये काफ़ी ज़्यादा comfortable है। अगर packaging में ये आपको lenses deliver करेंगे, आपको एक box होगा, आपको इनकी site पर जाना होगा, insta से आप जाके इनके bio में जा सकते हो, and वहाँ पर आपको अलग अलग lenses देंगे। अगर आपकी पार है तो आप पार के अकॉर्डिंग अपनी lenses ले सकते हो कलर्ड, एंड अगर नहीं है तो अब बाकी ये lenses cost exactly करती हैं 899, but I got it for around 350 या 399 ऐसे ही करके मुझे मिली थी कुछ डिस्काउंट पे, एंड वहाँ पे कूपन्स भी होते हैं कि आप जो लगा सको, जिससे कि आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है, और एक कूपन होता है जिसमें आप लगा दो तो आपको लेंस सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये वाला सोल्यूशन तो मेरा लास्ट ईयर का रखा था मेरे पास, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। साथ में सोल्यूशन के साथ आपको ये लेंस बॉक्स भी मिलता है जिसमें कि आप अपने लेंसेज रख सकते हो। जो मैंने लेंसेज वेयर करी हुई हैं अभी, वो यही वाली हैं, और इनका शेड है आईसी ब्लू। लास्ट टाइम मैंने स्पाइसी ग्रे ट्राई किया था जो कि डे वाली थी, लास्ट ईयर मैंने अपने बर्थडे पर ट्राई किया था, बट दोज आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। दोज कॉन्टैक्ट लेंसेज गिव मी अ हेडेक फॉर द एंटायर डे ऑन माय बर्थडे। सो मैंने तब से कोई लेंसेज नहीं खरीदी थी। अभी शादी थी भाई की, तो आई थॉट टू इन्वेस्ट इन सम गुड लेंसेज। फिर मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा पहनती हूँ नहीं और मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता नहीं है, बहुत कभी कभी पहनती हूँ वीडियोज़ के लिए। सो आई थॉट कि चलो 1 month भी ट्राई करते हैं इनका। सो ये लेंसेज मुझे काफ़ी सही लगी, क्योंकि इनको पहनने के बाद इरिटेशन नहीं होती, हेडेक नहीं होता, धुंधलापन नहीं लगता, एकदम क्लियर विजन होती है। अगर आप बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है लेंसेज को पहनने से पहले, सोल्यूशन वहीं से मिला था, एक्वालेंस का कम्फर्ट सोल्यूशन, एंड ये मेरे को फ्री मिला था तब। ये है वैसे ओरिजिनल प्राइस 135 है। सो ये कुछ सोल्यूशन की बॉटल है, मैंने इतनी ख़त्म कर रखी है क्योंकि मैं ऑफकोर्स चेंज करती थी इनका वाटर। सो सबसे पहले आपको पहनने के लिए मैंने एक वीडियो बना ली थी इस मेकअप को करने से पहले, क्योंकि ऑफ कोर्स लेंसेज हमेशा मेकअप करने से पहले पहने, अदरवाइज आपको लेंसेज पहनने में आपके आंसू ज़रूर बहेंगे लेंसेज पहनने के टाइम। सो मेक श्योर कि आप जब भी लेंसेज पहनो अपना मेकअप से पहले पहनो, ताकि जब आप मेकअप करो तो आपका मेकअप ख़राब ना हो। सो मैंने भी इस मेकअप करने से पहले ही ये लेंसेज पहने। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मेक श्योर कि अगर आपने कुछ टाइम के लिए लेंसेज लिए तो उनका वाटर हर वीक चेंज करें, ताकि आपकी लेंसेज ज़्यादा देर तक चलें। और जब भी आप लेंसेज पहने, मेक श्योर कि आपके हैंड्स एकदम क्लीन हो, आपने तुरंत जाके हाथ धोएं और कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं छुएं, क्योंकि ऑफकोर्स ज़रा सा भी कुछ आपके हैंड में डर्ट हो तो वो जब आपकी आँख में जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। सो मेक श्योर कि अपने हैंड्स बिल्कुल क्लीन हो। सो मैंने अपने हाथ पहले ही धो लिए थे, उसके बाद मैंने ये लेंस ली है अपने हाथ में, एंड देन मैंने अपने बैक ऑफ द हैंड पे रखा है, एंड वहाँ पे ये जो लेंस सोल्यूशन है, पहले उसको क्लीन करने के लिए लेंस सोल्यूशन डाला है लेंस निकाल के, एंड उसको अच्छे से क्लीन किया। आपको थोड़ा सा हल्के बिल्कुल स्लाइटली आपको रब करना होगा, एंड देन फिर उसके बाद आपको अपने बैक ऑफ द फिंगर को लेके आपको स्वाइप करना होगा, जिससे कि आपकी लेंस आईज में लेंसेज आराम से चली जाए। ये ट्रिक मैं पहले नहीं जानती थी, एंड विद टाइम मैंने ये जाना है कि ये ऐसे बहुत ही इजीली जाती हैं एंड बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। अदरवाइज लेंसेज लगाना इज़ अ टफ जॉब, एक बार ट्रिक आ जा रहा तो फिर बहुत ईजी रहता है। सो दिस इज़ द ट्रिक विच आई फॉलो पर्सनली, एंड आई बिलीव कि इससे आंसू कम आते हैं यार। सो मैंने दोनों लेंसेज को बहुत ही अच्छे से धोया है, आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, और लेंसेज को भी दोबारा, और जब आप उतार के रखें ना, तब भी आपको लेंसेज को क्लीन करके ही रखना चाहिए न्यू वाटर में।
सो ऐसे आपने देखा कि मैंने इतनी ईजिली रेसिपी नहीं, ऑफकोर्स मैं रो रही हूँ क्योंकि लगता है थोड़ा सा जब आप पहनो लेंसेज, लेकिन आपको अपनी चारों तरफ आके घुमानी होती अच्छे से ताकि लेंसेज बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबली आपके आईज में सॉकेट में अच्छे से लग जाए। सो या दैट, सो ये था एक तरीका लेंस पहनने का। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हमें अपने फेस कलर के अकॉर्डिंग कैसे लेंस लेने चाहिए। सो लेंसेज आप अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा आपको एकदम अलग आँख रखना, क्योंकि ऑफकोर्स दीज लेंसेज लुक गुड ऑन मी अगर मैंने मेकअप कर रखा है, जैसे इतना ज़्यादा मेकअप, लेकिन अगर मैं नॉर्मली ऐसे बाहर जा रही हूँ मैंने ये लेंसेज लगाई हैं तो दैट वोंट लुक दैट मच गुड, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, इससे ना आँखें थोड़ी बिल्ली टाइप लगती हैं, मतलब बिल्लियों की आँखें जैसे होती ना एकदम लाइट शेड में। सो अगर आप कुछ डार्क शेड लो ना तो आप नेचुरल, आप बाहर भी जाओगे तो भी आपकी आँखें नेचुरल लगेंगे, लेकिन अगर आपने इतनी लाइट ली हैं जैसे कि हेजल हो गया, आईसी ब्लू, लाइट ब्लू में जैसे आईसी ब्लू हो गया, स्पाइसी ग्रे हो गया, तो ये ग्रे और लाइट शेड्स जो होते हैं ना वो मेकअप पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेकअप करने के करो तो तब लगाओ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर फिर नेचुरल लगाया तो आपके आईज पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, आपको एकदम बिल्ली वाला लुक देगा जैसे कंजूया जिसे कहते हैं। सो लेकिन अगर आप चाहते हो नेचुरली आपको डेली वेयर के लिए लेना, तो थोड़े से डार्क कलर के लेंसेज दो ताकि वो ऑड ना लगें आपकी आँखें उसके लिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील कि आपको ऐसे लेंसेज चूज़ करने चाहिए, और मैंने भी अभी तक ऐसे ही चूज़ किया है। इस जगह कि मैं मेकअप करती हूँ तभी पहनती हूँ मोस्टली, या तो फिर किसी पार्टी या फंक्शन में जाती हूँ तभी हम मेकअप करते हैं, तभी मैंने तो बहुत ही प्यारी लगती हैं आँखें जैसे अभी लग रही हैं। सो इसीलिए मुझे, लेकिन अगर मैं आपको नेचुरली अभी मैं आपने देखा होगा तो नेचुरल फेस था, कुछ नहीं किया था मैंने, तब मैंने लगाया तो दैट वाज नॉट लुकिंग सो मच गुड, आई मीन दैट वाज नॉट लुकिंग नाइस जितना मेकअप के बाद ये आंखें लग गई है मेरी। सो या दैट्स डिफरेंस आपको देखना होगा। एंड अगर आपको ये मेकअप अच्छा लग रहा है एंड ये लिप शेड आप जानना चाहते हो कि कौन सा है, सो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पर मैंने ये अपना फेवरेट लिप कॉम्बो रील डाली है। सो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज @tanyasolofficial, सो फॉलो करना जरा भी ना भूले। लेंसेज को निकालना है तब भी आप अपने हाथ बहुत ही अच्छे से धो के आइए, ये दो फिंगर्स को बहुत ही लाइटली पुल करना है अपने लेंसेज को। सबसे पहले तो हमको अपनी आई सॉकेट से थोड़ा सा साइड करना है ताकि वो वाइट एरिया पे आ जाए, एंड देन जब वाइट एरिया पे आ जाए आपको हल्का सा पिंच करना है, वो अपने आप ही आपके लेंसेज बाहर आ जाएगी, और जब बाहर आ जाए तो आपको उसको अपने बॉक्स में रखना है, आपका सोल्यूशन चेंज करना है एंड उसको एकदम टाइटली ढक्कन को टाइट कर दें ताकि लेंसेज खराब ना हो, क्योंकि अगर आप ढक्कन को टाइट नहीं करेंगे सोल्यूशन बह जाएगा, आपकी लेंसेज सूख जाएंगी, सो आपकी लेंसेज खराब हो सकती हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आप पहने लेंसेज या जब भी आप उतारने जाए अपने हैंड्स बहुत ज़्यादा क्लीन रखें, लेंसेज जब उतार रहे हो उसके बाद भी आप उनको साफ करके न्यू सोल्यूशन में रखें। So that will help you to make your lenses last long and also will help you एक hygiene maintain करते हैं, and जैसे कि आपकी आँखों में भी कुछ उल्टी सीधी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि lenses जो बहुत ज़्यादा पहनते हैं उनके आँखों में थोड़ी problem हो जाती है जितने लोगों से मैंने सुना है। सो यार दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू टेल इन दिस वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया यू हैव टू हिट लाइक शेयर एंड कॉमेंट, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, खुद से प्यार करिए, खुश रहिए, बाय।